नमस्कार दोस्तों, मैं अमित कुमार सिंह और आप देख रहे हैं परसुमित लाइव न्यूज। और आप सभी को परसुमित लाइव न्यूज में स्वागत है। पीटो जगदीशपुर हाईवे में एक्सीडेंट की अभी तक का सबसे बड़ी खबर आप सबको बता दें कि दूसरे व्यक्ति का भी निधन हो चुका है। जी हाँ दोस्तों, जिस तरह से आप लोगों को घटना स्थल पर भी गए थे और जहाँ बराव पंचायत में भी गए थे, जिस तरह से आप लोगों को दिखाने का कार्य कर रहे थे, और पहले व्यक्ति जो कि चंदन कुमार सनी जो कि इनका नाम था, वो तो स्पॉट पे ही उनका निधन हो गया था अस्पताल ले जाने के क्रम में। हालांकि तीन लोगों की सांसें अभी भी चल रही थी एक्सीडेंट के बाद भी, उन लोगों को इलाज करने के लिए पटना भेजा गया था, कौशल्या अस्पताल में भी और एम्स अस्पताल में भी। हालांकि उसमें से एक व्यक्ति जिसका नाम है मनोज कुमार, जिनके पिताजी का नाम रामचंद्र सिंह है, वे बुरी तरह से जख्मी हो चुके थे, जो कि उनको बचाया नहीं जा सका और उनकी जो है इलाज के दौरान ही उनकी मृत्यु हो गई। बहुत ही दुखद घटना आप सबको बता दें, मनोज कुमार जिनके पिताजी का नाम रामचंद्र सिंह, जिनका इलाज पटना में चलाया जा रहा था, हालांकि इलाज के दौरान ही मनोज कुमार का मृत्यु हो गई। पहले भी हम लोग देखे हुए थे, हालांकि मनोज कुमार जी काफ़ी ज़्यादा जख्मी थे एक्सीडेंट के बाद, उनका बुरा हाल हो गया था। हालांकि जैसा कि सभी लोग उनके जीवन का बचाने का भगवान से भी प्रार्थना कर रहे थे, लेकिन वे बच नहीं पाए। सभी लोग घायल को बचाने के लिए प्रार्थना कर रहे थे ईश्वर से। हालांकि मनोज कुमार जी बच नहीं पाए, जिनके पिताजी रामचंद्र सिंह, जैसे ही यह खबर रामचंद्र सिंह के यहाँ पहुँची, मनोज के यहाँ पहुँची, लोगों में और भी काफ़ी दुखी का माहौल हो गया। हालांकि परिवार वालों का इंतजार था कि मनोज फिर से इलाज के बाद स्वस्थ होकर घर पर लौटेगा, लेकिन मनोज अब इस पृथ्वी पर नहीं है, नहीं बच पाया इलाज के दौरान। और आप सबको बता दें, आगे दीपू कुमार जिनके पिताजी का नाम धनजीत सिंह और गोल्डन कुमार जिनके पिताजी का नाम राजेंद्र सिंह हैं, वे लोग पटना में अभी इलाज करवा रहे हैं। हालांकि उन लोगों का कंडीशन जो है हालत थोड़ा बहुत सही है, लेकिन उन लोगों का कंडीशन भी बताया नहीं जा सकता है। अभी तक भी कंडीशन उन लोगों का सही नहीं है, वे भी सभी लोग पटना अस्पताल में अभी भर्ती हैं। यहाँ तो अभी तक का सबसे बड़ी अपडेट आप लोगों को बता देना चाहते हैं, दूसरे व्यक्ति यानी मनोज कुमार जिनके पिताजी का नाम रामचंद्र सिंह है, उनका मृत्यु हो गया अस्पताल में इलाज के दौरान ही। आप लोग देख सकते हैं, जिस तरह से आप लोगों को बताने का हम लोग कोशिश कर रहे थे कि आप लोगों से हम रिक्वेस्ट करेंगे कि आप लोग कहीं भी जा रहे हैं, कहीं भी सफ़र कर रहे हैं, तो आप लोग सेफ्टी के साथ गाड़ी तेज ना चलाएं। अगर आप लोग गाड़ी तेज चलाते हैं, अगर आप लोगों के कंट्रोल में गाड़ी नहीं रहती है तो भी हादसा होती है, तो आप लोगों से रिक्वेस्ट करेंगे कि आप लोग गाड़ी तेज ना चलाएं। थैंक यू। जय हिंद।